वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में राजघाट थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी कर 1500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 5 किलो यूरिया एवं 30 किलोग्राम नौसादर के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अभी इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। पहली घटना राजघाट थाना क्षेत्र की, जहां भट्टी के माध्यम से अवैध देसी शराब बनाई जा रही थी। इसमें कुल 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं। अमरूद बाग के पास ये अवैध शराब बनाने का काम हो रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य ये कि इनके पास से लगभग 1500 लीटर कच्ची देसी शराब बरामद हुई है और उसमें अपमिश्रण के लिए यूरिया आदि जो मिलाते हैं वो भी बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध इस बरामदगी के आधार पर एक्साइज एक्ट और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजे जाने हेतु अभी प्रस्तुत किया जाए।